सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस सॉरी यार, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कुछ घर में इशू हो गया था उस चक्कर में। तो आज से मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। आज 1 नवंबर में और आज है मंडे और मैं आपको दिख रहा होगा पार्क में आया हुआ हूँ। बहुत ही सुनसान है, सबको फ़ोन किया, सब मतलब आलसी हैं यार, आते नहीं हैं, तो मैं ही आ गया और जा रहा हूँ अभी। देखते हैं यार, कोई मिल जाता है तो खेल लेंगे साथ में बैट बॉल, नहीं तो वही है अपना, कुछ तो कर ही लेंगे। और क्या, तुम्हारा भाई पता कितना टैलेंटेड है। तो गाइस देखो यार, ये इस पार्क का नाम है जमाली कमाली। हाँ जी, जमाली कमाली। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, ये इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है यार। नाम मुझे पता है, बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जेके। हाँ जेके, झारखंड नहीं, जमाली कमाली। देखो यार, मतलब साला कोई यहाँ पे पहली बार आएगा तो खो भी आएगा। और एक्चुअली मेरे को भी रास्ता भी याद नहीं आ रहा है कि हमको कहाँ जाना है, मतलब मैं भी ना खो जाऊँ। सुबह सुबह पता नहीं चलता ना, और वैसे भी सुबह सुबह मतलब थोड़ा लग रहा नशे में हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब नशे नहीं किए मैंने, स्टिंग पिए, वो बात अलग है, उससे नशा क्या सा होता है वे। तो भाई देखो, ये ट्रैक है और हम जा ही रहे हैं पार्क की तरफ। यार मतलब यहाँ पे ग्राउंड्स ना बहुत सारे हैं, प्लेयर्स भी बहुत सारे हैं, पर आलसी हैं, चलो कुछ शर्म नहीं आती है भाई, मतलब फिटनेस की मदर सिस्टर कर रखी है। तो भाई वो देखो, वहाँ पे अंकल स्ट्रीट डॉग्स को खिला रहे हैं खाना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। पर इन कुत्तों को देखो, मेरी फट रही है क्योंकि ये लोग बहुत सारे हैं, कहीं यहाँ पे मेरा गैंग बैंग ना हो जाए, कहीं मेरे पेल पेल मतलब काट कूट ना ले। देखो वो अंकल के बगल में शरीफ कुत्ता दिख रहा है, वो शरीफ नहीं लग रहा मुझे, तो देखो वो शरीफ नहीं है, वो डेंजर है बाबा, डेंजर खतरा। ये देखो, ये रहा, आंखें देख रहे हो कैसे चमक रही है। बेंच बाय बाय। अबे तू खुद ही डर रहा है। बाय। तो गाइस जैसे कि ठंड आ चुकी है तो यहाँ पे देखो धुंध हो रखी है, दिख रही है आपको, क्या ही तो धुंध हो रखी है। देखो वो अंकल जो रास्ते में कुत्ता दिख रहा है उसे खिलाते जा रहे हैं, वो देखो वो अंकल हल्के हो रहे हैं झाड़ियों में। यार मतलब ये भी कोई हल्के होने की जगह है क्या, मतलब झाड़ियों में हल्के हो रहे हैं, कौन है लोग, कहाँ से आते हैं। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे ये मशीन्स लगी हुई हैं ताकि जिसको मतलब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वर्किंग बॉडी की करनी है तो वो कर सकता है, एक तरीके से सस्ता जुगाड़ जिम का आप कह सकते हो, इसे कह सकते हो। और यार मतलब धुंध तो आप देख सकते हो, पीछे दिख रहा होगा कितनी सारी धुंध है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, अब पता नहीं आपको कितनी दिख रही होगी। और हरियाली बहुत है यहाँ पे, पेड़ ज़्यादा है, इसके वजह से ठंड भी ज़्यादा लग रही है, तो मैंने जैकेट पहन रखी है। तो यार पार्क में पहुँचने ही वाले हैं, देखते हैं कोई है कि नहीं। सो हैंस प्रूव्ड गाइस, मैंने सच बोला था कि सब लोग आलसी हैं, कोई नहीं आता। ये देखो पिच खाली है, वो देखो पिच खाली है, और ये देखो ये पिच भी खाली है, और इस पूरे ग्राउंड के अंदर खाली यहाँ पे अभी मैं हूँ, समझ सकते हो तुम। और इतनी ठंड लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लग रही है, और पता नहीं यार कोई आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे बैठ के मैं क्या भजिया तलूँ, भजिया तलने के लिए भी कढ़ाई चाहिए यार। तो चलो यार थोड़ी सी रनिंग कर लेंगे और देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता। तब तक के लिए आप लोग चाय पी के आओ यार, और क्या। तो गाइस रनिंग गई तेल लेने, क्योंकि आज एकेडमी और जिम दोनों हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर जाने के किले की, क्या नाम है इसका, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। अट तेरी भैंस, यहाँ हम तो जाएंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो गाइस दरवाजा तो भाई साहब बाहर से खुला, बे अंदर से कौन खोलेगा, चलो अंदर भी हाथ डाल के खोल लेंगे, अंदर ताला लगा है। तो क्या करूँ, इसके ऊपर कूद के जाऊँ क्या,
क्या कह रहे हो? नहीं यार मन नहीं कर रहा है सब कुछ। ओ देखो चिल बैठी है। लाइक करो फॉलो करो। तो वैसे सॉरी यार मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो जगह है ना, ये वाली पिच, ये वाली और ये जो आपको दिख रहा है पीछे बिल्डिंग टाइप में, इस जगह का नाम है चार दीवारी। यार कैसे कैसे नाम होते हैं, मतलब कुछ भी। पियोगे क्या? मैं नहीं दे रहा, हट। तो अरे यार आओगे मेरे साथ, आके ले लेना। ऐसे कैसे आपको ऐसे थोड़ी ना फ़ोन के अंदर घुसेड़ के दूंगा। तो फिर यार आओगे तो ले लेना। तो मैं कहाँ पे था? हाँ मैं था इंतज़ार पे। तो मैं बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देखो यार गाइस, सारे बड़े भाई आ चुके हैं और पिच पे स्टंप्स भी लगा दिए इन्होंने, और अभी बहुत सारे आने वाले हैं। अभी तो ये खाली 4-5-6 हैं, तो उसके बाद खेलना शुरू करेंगे। खेलना शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे। तो गाइस देखो यहाँ पे हम खेल रहे हैं, टारगेट मिला है 60 रन का और मैंने 2 ओवर में 2 विकेट लेके 14 रन दिए। मैं आउट हो चुका हूँ वैसे। तो गाइस उम्मीद की किरण डाक चुकी है, पिछले ओवर में 2-3 छक्के लग चुके हैं, इस ओवर में 18 रन चाहिए, देखते हैं क्या होता है। मेरे को लगा इन तो जीतेंगे, पर अब जीत सकते हैं शायद। पर बॉलर बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना टॉप लेवल के स्पिनर, वो हैं ये। बॉलिंग बहुत खतरनाक डाल रहे हैं और बैटिंग पे हमारे सनी भैया है। और ये शॉट, और ये बहुत ही लंबा छे। नहीं नहीं मैं ब्लॉगिंग यूट्यूब पे डालता हूँ। नहीं डाल रहा, नहीं डाल रहा। एमएस धोनी दा इंटर स्टोरी। नहीं डाल रहा, नहीं डाल रहा, नहीं डाल रहा। तो गाइस फिर से रॉबिन उथप्पा के थप्पा थप्पा बॉलिंग डाल रहे हैं, बहुत ही खतरनाक स्पिनर है। बैट्समैन शर्मा जाए इतनी खतरनाक बॉलिंग है। तो गाइस हमारे कीपर जो थे बीच के, वो बैटिंग पे आ चुके हैं क्योंकि अभी आउट हो गए हैं। यहाँ पे ये रूल है कि 3 ओवर के बाद बीच वाले की बैटिंग आ जाती है, जो बीच मतलब कॉमन होता है। देखो भाई ने कैप उतार दी है, अब ठंडे दिमाग से सोच के छक्का मारेंगे। और ये नो बॉल मैंने कैच कर ली नो बॉल पे, पर आउट नहीं है। इससे अच्छा अंपायर मैंने आज तक नहीं देखा। सारे अंपायर्स को सलाम। भैया को बहुत दुख हो रहा है, इतनी प्यारी कैच की थी। तो गाइस बहुत ही अद्भुत लगा है। भाई क्या है, खतरनाक मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखो यार बस। तो गाइस देखो डाल रहे हैं, और ये बहुत ही अद्भुत छे। बॉली गायब। किलसा रहे हो उनकी, बहुत ही गंदी। ओ वो कह रहे मैं ही मारूंगा दंत मंजन की पावर से। कह रहे कि नहीं मैंने गुलकोंडी पिया है, मैं मारूंगा। वो कह रहे लास्ट ओवर है, रन भी बहुत हो गया भैया लास्ट ओवर के हिसाब से। और ये ओ यार बहुत ही डब। ये कह रहे हैं बच्चे की जान लेगा वे। पोजीशन बहुत तगड़ी है और शॉट खेल दिया ऑफ साइड पर। देखिए किस तरह से प्लेयर भाग रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 1 ओवर में 16 रन, बहुत ही कश्मकश भरा मैच। और भागते हुए आ रहे युवा बॉलर यहाँ कर, इनकी जो एक्शन है वो बुमराह से मिलती हुई थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर बॉलर भागते हुए आ रहे हैं, इनकी वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है इस बॉलर के वजह से। देखिए जरा इन बॉलर को, और ये यहाँ पर उठा के मारा है और ये विकेट, लेकिन कैच छूट गई यहाँ पर। सीधे बॉल डालते हुए सोनू भाई को, और ये सोनू भाई ने दिया चट्टा,
और ये लगा सिक्सर बीएसएनएल छक्का। यहाँ पर तजुर्बा आखिर तजुर्बा होता है, ये दिखाते हैं कि चाहे वो युवा हो लेकिन तजुर्बा भी कुछ तजुर्बा होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब हमारे साथ इंग्लिश कमेंटेटर आ गए हैं खिड़के। हाँ अपनी तरफ कैमरा घुमाते हुए देखते हैं चौथी बॉल पे ये क्या करते हैं। लाला ऑन द स्ट्राइक एंड सरी बॉलिंग एंड ब्यूटीफुल बॉल एंड डॉट बॉल अगेन। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। लाला का जो पिछवाड़ा है वो भी लाला की तरह ही है काला। समझ रहे हो ना। सो गाइस मैच खेलने के बाद अब मैं घर जा रहा हूँ। 8:30 बज रहे हैं और पिछले मैच में मतलब यार बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने मतलब धो दिया यार, जैसे कहते हैं ना धो दिया। तो वो आप वीडियो में देखना कैसे धोया, क्या कर सकते हैं यार, दिन ख़राब था इसलिए सारी बॉलें मैंने 10 स्लॉट में दे दी और उन्होंने खाली ऐसे उठा दिए। तो मतलब दो कैचेस भी छूट गई मेरी, वो बात अलग है। दो एक चौका या दो छक्के मारते। और आज कल लोग अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और शेयर करो यार चैनल को ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ें और ग्रो चैनल।